झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दावा किया कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट और बीजेपी की बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेतृत्व के साथ बैठक के बाद लौटने पर पार्टी नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि ये बैठक राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगे। चंपाई सोरेन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि झारखंड में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाएगी। जब उनसे पूछा गया कि आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। पूरे झारखंड में हमारे हर जगह तैयारी है, हम बहुत ही मजबूती के साथ तैयार हैं। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी क्या बोले। उधर बीजेपी नेतृत्व के साथ बैठक के बाद लौटने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बैठक हो गई है, हमने बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सामने झारखंड की राजनीतिक स्थिति और उम्मीदवारों के बारे में अपनी बात रखी है। केंद्र को निर्णय करना है, जब अंतिम रूप से निर्णय हो जाएगा तो आपको मीडिया से सूचनाएं मिल जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, हम हमेशा जनता के लिए काम करते हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ काम में जुट गए हैं। अब एक दो दिनों में सीटों को लेकर फैसला हो जाएगा। बीजेपी ने कहा कि हमने केंद्रीय नेतृत्व को सब कुछ बताने की कोशिश की है, आप सभी को घोषणाओं के लिए एक दो दिन इंतजार करना पड़ सकता है। पार्टी तो हर समय चुनाव के लिए तैयार है, पार्टी लगातार 365 दिन काम करती है और जनता के बीच में रहती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना काम नहीं करती, आप लोगों को जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक झारखंड में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।